खजरी थाना क्षेत्र में अवैध मिट्टी का जोरों पर खनन हो रहा है। आपको बता दें कि खनन विभाग के अधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के मिलीभगत से मिट्टी का अवैध खनन जोरों पर चल रहा है। जेसीबी मालिक व ड्राइवर नियम कानून को ताक पर रखकर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। तहसील खजनी अंतर्गत थाने से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अकटहवा बाबा सिंह मैरिज हॉल के पीछे काफी समय से खुदाई हो रही है। खजनी थाना के मथौली उसवा रामपुरवा चिलौना टिकरिया नाथ सिंह गांव में अवैध खनन का कार्य जोरों पर चल रहा है। मिट्टी की खुदाई होने से आसपास के खेतों को काफी नुकसान हो रहा है और प्रदूषण से रास्ते पर चलना दुश्वार हो गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि ई टेंडर के माध्यम से शासन की नीति के अंतर्गत पट्टा किया गया है। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पट्टेदारों के साथ बैठक किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए प्रवर्तन दल लगातार कार्य कर रहा है। जहां पर भी शिकायत मिलती है वहां पर तुरंत टीम पहुंचकर कार्रवाई करती है। जिलाधिकारी ने कहा कि कहीं पर भी अवैध खनन की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी व खनन माफिया घोषित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जैसे हम जानते हैं कि हम लोगों ने ई टेंडर के माध्यम से शासन की नीति के अंतर्गत पट्टे किए हैं, लगातार पट्टेदारों के साथ बैठक कर रहे हैं। अवैध खनन पे अंकुश लगाने के लिए लगातार हमारे प्रवर्तन दल कार्य कर रहे हैं। जहाँ जहाँ शिकायत मिलती है वहाँ तुरंत होता है, रात को सो मोटो बेसिस पे भी हम लोग प्रवर्तन करते रहते हैं और कहीं पे भी अगर इस तरह की करतूत मिलती है तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, खनन माफिया घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ पट्टेदारों के खिलाफ कोई भी अगर झूठी शिकायत करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। जो अवैध खनन कर रहे हैं उनके खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे।